आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज का जो विषय है वो सामान्य रूप से जो हम चर्चा करते हैं जिन विषयों को लेकर के, उनसे ये बहुत अलग हट करके है। और अलग हटने का तात्पर्य इस अर्थ में है कि ये विषय ज़्यादा सूक्ष्म है, अनुभव के विषय हैं। बौद्धिकता से हम जितना इन विषयों को समझ सकते हैं, इस तरह के विषय को, उसकी अपनी एक सीमा है। उससे आगे आपके अपने चेतना के अनुभव हैं जिनसे हम इनको समझना चाहते हैं और समझते हैं। आज के विषय में, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं, कि कुंडलनी शक्ति के विषय में आधुनिक विज्ञान एवं पारंपरिक दृष्टि की मीमांसा। मीमांसा का अर्थ है कि उसका एक तरह का विश्लेषण हम करें, देखें कि कुंडलनी शक्ति की जो एक परंपरागत जो उसका स्वरूप हमारे मन में बैठा हुआ है, जो कि कई दृष्टियों से हमारे साथ जुड़ी हुई बात है, कि कभी तंत्र की दृष्टि से ठीक है, तंत्र की दृष्टि से, वेद की दृष्टि से, आपके रोजमर्रा के जीवन की दृष्टि से, ये कुंडलनी शक्ति जो है, इसके बारे में बहुत सारी दृष्टिकोण हमें देखने को मिलते हैं। और हमारी अपनी उतनी ही समझ है जितना हमने सुना होता है। पढ़ने को लेकर के हम लोगों ने कभी बहुत अधिक प्रयास किए नहीं होते। तो ऐसे विषय को समझने के लिए निश्चित रूप से आपको एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, जिसने सिद्धांत को भी समझा हो, थ्योरी को भी समझा हो, और प्रैक्टिकल भी जिसने इस विषय में करने के प्रयास किए हैं और किए हों। तो आज जो हमारे साथ वक्ता श्री सुमनीत जोशी जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको हमने आमंत्रित किया है विशेष रूप से, उनसे हम ये सारी चर्चाएं आज सुनेंगे। और उसके बाद आप लोग अपने अपने जो भी प्रश्न हों, जिज्ञासाएं हैं, उनको आप साझा कर सकते हैं। भूमिका के रूप में दो तीन बातें मैं आप लोगों के साथ साझी करना चाहता हूं कि कुंडलनी शक्ति की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो आपने सामने रख दिया और उसके कांट छांट करके इंटेलेक्चुअली उसको आपने समझ लिया। ये बहुत हद तक उसी तरह का विषय है जैसे मन का विषय होता है कि मन को आप कैसे दिखाएंगे। तो उसके अस्तित्व के विषय में प्रश्न करने से पूर्व हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा कि इस कुंडलनी शक्ति को हम किस रूप में समझेंगे, कैसे समझेंगे। इन सारे विषयों में बहुत धैर्य पूर्वक और खुले मन से आप लोगों को विचार करना होगा। जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये मैं भूमिका के रूप में आप लोगों से बात कर रहा हूं कि कुंडलनी शक्ति योगी के लिए ये ज्यादा अर्थ रखती है। तंत्र और योग के जो लोग उन लोगों के लिए है। कृपया माइक ऑफ रखिएगा। कवियों के लिए इसका नाम प्रतिभा हो जाता है। जिसकी प्रतिभा जागृत होगी, जिसकी कुंडली जागृत होगी, उसकी कविता में एक नवीनता, नूतनता, अभिनवता आ जाती है। और जो दार्शनिक लोग होते हैं उनके लिए इसके इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो है प्रज्ञा, जो एक तरह की जो सेंसिबल इंटेलेक्चुअलिज्म जिसे आप कह सकते हैं, इंटेलिजेंस रादर, जो शब्द गलत हो गया, वो इंटेलेक्ट में ही है, इंटेलिजेंस है। तो दार्शनिकों के लिए प्रज्ञा शब्द से जानी जाती है। और जो व्याकरण और जो भाषाविद लोग हैं उनके लिए इसे वाक नाम से जानते हैं। ये सारे इनके मैं ज्यादा विशेष इनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहा, लेकिन अगर कुंडली को अगर आप सेंटर में रखते हैं तो जो ट्रायंगल बनता है इसके तीनों ओर, वो प्रतिभा, प्रज्ञा और वाक का बनता है। उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे, जो विशुद्ध रूप से जो है वो शास्त्रीय दृष्टिकोण से हम लेंगे। लेकिन आज क्योंकि हमारा विषय जो है वो इसकी थ्योरी और प्रैक्टिस को समझने का है, जानने का है, उसको इस विषय को हम उस दृष्टि से ही थोड़ा सा समझेंगे। अब आप ये देखिए कि इस विषय को जानने वाले चार तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो बिल्कुल बीच में सेंटर में होते हैं, जो किसी जो पीड़ित होते हैं,
पीड़ित होने का अर्थ क्या है कि किसी न किसी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम से गुजरते हैं, जैसा कि सुनीत जी बात करेंगे इस विषय में, उन लोगों के लिए कुंडली का विषय बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिज्ञासु, जो जानना चाहते हैं कि मनुष्य केवल इतना ही परिभाषित नहीं किया जा सकता जितना हम उसको देखते हैं, उसके भीतर जो अनंतता का प्रवाह है उसको किस तरह से समझा जाए, कैसे पकड़ा जाए, उस अर्थ में भी कुंडली का हम प्रयोग करते हैं। तीसरे जो अर्थार्थी होते हैं, जो बल्कि ये सेकंड कैटेगरी है, जिनको कुछ धन की इच्छाएं होती हैं या कामनाएं होती हैं, कुछ अन्य कामनाओं से जो ग्रसित होते हैं, उस तरह के जो लोग होते हैं वो भी कुंडली शक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि तांत्रिकों में हम अक्सर सुनते समझते देखते आते हैं। और चौथे जो अंतिम श्रेष्ठ लोग हैं वो हैं ज्ञानी, जो इस ब्रह्म और आपके भीतर के जो संबंध हैं, आपके अस्तित्व के जो संबंध है, वो कुंडली के माध्यम से उनको वो रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चार कैटेगरीज जो हैं वो कुंडली शक्ति को लेकर के जो हैं, चार तरह के लोग जो हैं वो इसको समझते हैं। शेष रही कि हम जिन विषयों को हमने साथ में जोड़ा है, संस्कृत के साथ संगीत को जोड़ा, जूलॉजी को जोड़ा, आप देखेंगे कि सब जगह कुंडली शक्ति का अपनी तरह से प्रयोग होता है। क्योंकि जब आप ध्वनि के ऊपर फोकस करते हैं तो आपके जो नर्व सिस्टम है उस पे उसका किस तरह का असर होता है, उसके ऊपर कई तरह के प्रयोग मुझे लगता है सुनीत जी दिखाएंगे। और जूलॉजी और होम साइंस के साथ तो डायरेक्टली संबंधित ही है, क्योंकि जैसा कि आप इधर चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर आप सहस्रार और आपका जो मेरुदंड है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है, उसमें जितने भी आपके प्लेक्सिस, जितने भी आपके ये क्या कहेंगे इनको, जहाँ जहाँ भी सेंटर्स हैं वहाँ पर आप इनको देख सकते हैं कि वहाँ ये चक्र हैं। अब ये चक्र क्या है, इनके विषय में हम संक्षेप में बात बाद में करेंगे। इससे पहले कि मैं आज के मुख्य वक्ता को आप लोगों से चर्चा करने के लिए आमंत्रित करूं, उनका मैं संक्षिप्त सा परिचय आप लोगों से कराना चाहूंगा। श्री सुनीत जोशी जी, जिनकी की पृष्ठभूमि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मार्केटिंग से है, और इन्होंने इंडस्ट्रीज में काम किया है, और जब इन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा एज ए मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट इन टेक्निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 2002 में, और छोड़ा किस लिए कि योग और तंत्र को इन्होंने समझने का प्रयास किया। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने मार्शल आर्ट को स्टडी किया, उसको सीखा, कुंग फू को सीखा, और किनसे सीखा, ईरानियन टीचर से, और उसको उसमें जो है योगिक प्रैक्टिसेस को असिमिलेट करने का इन्होंने कई तरह के प्रयास किए हैं, जो बीच में हमें मौका लगेगा तो हम देखेंगे। इनकी अपनी एक वेबसाइट भी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और वो मैं बीच में शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ। और एक स्पिरिचुअल ब्लॉग भी है जो जिस पे अपने टाइम टू टाइम जो है अपने आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। और अभी इनकी एक बुक भी पब्लिश होने जा रही है बहुत शीघ्र ही, वो इसी कुंडली के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर और उसकी थ्योरी को लेकर के आएंगे। और रिसेंटली ही इज वर्किंग विद हार्वर्ड पोस्ट ग्रेजुएट यूएस डॉक्टर्स टू ट्रीट डिजीजेस लाइक डिप्रेशन, इंसोमनिया एंड स्ट्रेस बाय डेवलपिंग साउंड बेस्ड सिस्टम। यही बात मैं आप लोगों से शेयर कर रहा था कि दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू विद ऑल दीज थिंग्स। सो ये ब्रीफ सा इनका परिचय मैंने रखा है आप लोगों के साथ। और उससे पहले कि मैं आमंत्रित करूं, ये स्लाइड का सेकंड पार्ट जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि देखिए कुंडली के दो पक्ष होते हैं, जो उसका डायनेमिक्स है। वो डायनेमिक्स कहाँ पर है कि बिंदु से विस्तार, यानी कि ये जो मटेरियल फॉर्म है, मैटर जो है, ये बिंदु से विस्तार, ये जो हॉरिजॉन्टल आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नाद का विस्तार शब्द जगत। यही चीज जो है ध्वनि, जिसको लेकर के हम कहते हैं मैटर और ध्वनि, इन दोनों के रिलेशनशिप में, या ये दो आप एक तरह से पंख कह लीजिए कुंडली शक्ति के हैं, जिसके बीच में हम कुंडली को परिभाषित या डीकोड करने का प्रयास करते हैं।
अब ये कोडिंग जो डिकोड करने का जो तरीका है वो संस्कृत में मैं बहुत संक्षेप में बिल्कुल सूत्र रूप में आपसे साझा कर रहा हूँ कि संस्कृत जो शुरू होती है वो अहम से शुरू होती है और क्रिया पे जाके समाप्त होती है। अस्मि आपसे शुरू होती है और अस्मि पे समाप्त होती है। बाकी भाषाओं में वो पहले आ जाती है, अंग्रेजी में आई एम पे शुरू होती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कट ऑफ, इट्स अदर पार्ट ऑफ इट, प्रेडिकेट जिसे आप कह देते हैं। लेकिन संस्कृत में आप अहम से शुरू करते हैं और बीच में सारे का सारा विश्व, सारा जगत, सारा संसार आप बीच में डाल सकते हैं और अंत जो है वो क्रिया पे जाता है। तो इसलिए वो कुंडली जो है एक तरह का ऑल इंक्लूसिव एलिमेंट है जो बीच में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कुंडली का जो एलिमेंट है अहम और अस्मि के बीच में है और इसके जो तीन डायमेंशन आप देख पा रहे हैं, एक तो कर्ता के रूप में देखना पड़ेगा आपको इस कुंडली को, डूअर की फॉर्म में भी आपको जानना होगा, नोअर की फॉर्म में भी कुंडली को आपको जानना होगा, और जो एक इंजॉयर के रूप में भी आपको इसको समझना होगा। तो डूअर, इंजॉयर एंड नोअर, ये तीन जो इसके एस्पेक्ट्स हैं, इन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए जो है हम आज कुंडली की बात को समझने का प्रयास करेंगे। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट श्री सुमित सुनीक जोशी जी टू मेक हिज प्रेजेंटेशन एंड टॉक टू अस अबाउट दिस मिस्टीरियस एंड वेरी अनकॉमन सब्जेक्ट, द कुंडली शक्ति, हाउ टू डिकोड इट सर। यू आर वेलकम सर, अनम्यूट योर सेल्फ सर, फर्स्ट अनम्यूट योर सेल्फ जी। ठीक है सर, यू कैन स्पीक नाउ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, नो नो आई एम नॉट गेटिंग योर साउंड जी। जी, नहीं सर बीच में आई थी कहीं, फिर कुछ। हाँ अब अनम्यूट कीजिए। सर नहीं, जब तक हम डॉक्टर साहब अपने अनम्यूट करते हैं अपने आप को, मैं आपके साथ ये भी बात करना चाहूँगा कि इसका जो कॉन्शियसनेस के एस्पेक्ट्स हैं, लाइफ प्रोसेस के जो एस्पेक्ट्स हैं, उसको भी हमें इसके साथ अटैच करके देखना है, क्योंकि वो जो कॉन्शियसनेस की मिस्ट्री है उसको भी डिकोड करने में ये कुंडली शक्ति जो है वो हमें हेल्प करती है। सर सुनील जी, क्योंकि कॉन्शियसनेस अपने आप में एक बड़े मिस्टीरियस सी टर्म है जिसको फिलोसफर्स ने भी फुली एक्सप्लॉइट किया है और साइंटिस्ट ने तो किया ही किया है। बायोलॉजिकल फिनोमिना कह के हमारी संतुष्टि नहीं होती और जो उसका डायनेमिज्म है वो हमारी समझ से बाहर हो जाता है जी। नो 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 आई एम नॉट गेटिंग योर साउंड सर। हाँ जी, नाउ नाउ इट्स ओके ओके सर, वी हैव लॉस्ट योर साउंड अगेन। हाँ जी हाँ, ये कहीं आपके कोई लूज है सर वायर, अगर आपने कोई साथ में वो स्पीकर वगैरह लगाया है तो। यस ओके ओके सर, सर अगर आपने कोई माइक वगैरह लगाया हुआ है साथ में अटैचमेंट तो प्लीज उसको हटा दीजिए, मुझे लगता है उसी की वजह से। आप एक बार डिसकनेक्ट करके रिकनेक्ट कीजिए सर। चलिए इन द मीन टाइम जब तक वो रिकनेक्ट करते हैं, लेट मी शेयर वन और टू मोर थिंग्स अबाउट दिस कुंडली।
आई हैव शेयर्ड ए फॉर्म विद यू ऑल ऑफ यू, जस्ट ए सेकेंड. I'm sharing a form with you. You can, this is a self-evaluation form regarding the level of chakras you are at. Hello. जी 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 बिल्कुल क्लियर जी बिल्कुल सर क्लियर है. ठीक है ओके क्लियर. ये मुझे लगता है कुंडली कहीं हमारे से इसकी मिस्ट्री. So हाँ, you are welcome, sir. You can start with. नमस्कार सभी को जी. नमस्कार, आपका इस मंच के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत. और आशुतोष जी के कारण ही मैं यहाँ पे आया, तो ये सब आशुतोष जी के कारण ही पॉसिबल है. एंड एज फार एज द सब्जेक्ट इज कंसर्न, इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलने के लिए जो उद्दंडता मैं कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ कि ये जो विषय है मेरे हृदय के बहुत नजदीक है. Though I may not be knowing everything about this, but जो कुछ भी मैं experience के through हम अभी तक इतने सालों में या इतने दशकों में देख सके या कर सके उनको हम share करने की कोशिश कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक slide के through, PowerPoint slide system के through हम बात करेंगे. तो उसके बीच बीच में कुछ practices भी होंगी जो आप मेरे साथ करने की कोशिश करना. तो बट subject तो इतना wide है कि इसको एक ही lecture में क्या एक हफ्ते में 10 दिन में भी cover करना बड़ा मुश्किल है. तो हम धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जाएंगे एंड स्लोली उसको विषय को विस्तार देते जाएंगे आगे अगर लेक्चर्स होते हैं. तो आज पहले जो लेक्चर है इसके अंदर हम सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे और कुछ दो तीन हम प्रैक्टिसेस करेंगे विच आर वेरी वेरी असेंशियल फॉर एंटरिंग इन टू द सब्जेक्ट ऑफ कुंडलिनी. तो विषय के हिसाब से हमने ये एक सबसे फर्स्ट स्लाइड है, तो इसमें आप एड्रेस एंड साइट एड्रेस वगैरह देख सकते हैं. तो नाउ वी विल ट्राई टू एंटर इनटू द सब्जेक्ट इटसेल्फ. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम चक्रास की बात करते हैं, मातृक, जब भी हम चक्रा की बात करेंगे तो चक्रास की बात आएगी, उसके अंदर मातृकास की बात आएगी, उसके रोटेशन की बात आएगी, चक्र रोटेशन की बात आएगी. स्लाइड शेयर एक मिनट करता हूँ. हाँ प्लीज शेयर योर स्लाइड फर्स्ट. आज कुछ लोगों को जुड़ने में भी दिक्कत आ रही है और मुझे कई मैसेज आए हैं. आई विल जस्ट हाँ कई कई मुझे भी कह रहे हैं कि उनको एडमिट नहीं हो रहे हो. मैं सर मैं ज्यादा गुस्सा हो गई सर. मैं अलाउड नहीं है यहाँ पे. ओके नहीं है ज्यादा कर लिया मैंने. ओके 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 सर आप स्क्रीन शेयर कीजिए पहले. हो गया. हाँ जी इसको एनलार्ज कर दीजिए. जी जी ठीक है जी. हाँ जी हाँ जी. सो सबसे पहले हम सब्जेक्ट मैटर पे ही आते हैं इंस्टेड ऑफ कोई टाइम व्यर्थ ना करते हुए. तो जब भी हम चक्रास की बात करेंगे तो हम इसके तीन एस्पेक्ट्स को देखते हैं. चक्रास का देखते हैं, मातृकाओं का ध्यान करते हैं और रोटेशन का भी ध्यान करते हैं. तो सबसे पहले बात होती है कि चक्रा जो 7 चक्रों की बात की जाती है तो वो कहाँ पे स्थित हैं, कैसी कैसी उनकी लोकेशन है. जब हम एनाटॉमिकली उनको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कई स्थान है जहाँ पे नर्व बंडल्स हैं. जब हम नर्व बंडल्स जो हैं ऑलमोस्ट उन्हीं स्थानों के ऊपर हैं जहाँ पे हमारे चक्रों की धारणाएं की गई हैं. तो एक एक स्केच के अंदर आपको पता लगता है कि ये क्राउन चक्र यहाँ पे है, ये क्राउन चक्र है. तो पीनियल ग्लैंड का पिट्यूटरी ग्लैंड की बॉडी इस तरफ आती है, कैरोटिड प्लेक्सस इधर आता है. तो थ्रोट चक्र की बात करते हैं तो फेरेंजियल प्लेक्सस आ जाएगा. हार्ट में बात करें कार्डिक प्लेक्सस आ जाएगा. तो ये प्लेक्सस और चक्रास ये बिल्कुल नजदीक नजदीक ही है. तो बात आती है कि एनर्जी का, कि जो प्लेक्सस है उसके अंदर एक नर्व बंडल है. अगर हम एक किसी नर्व की एनर्जी को
मेजर करने की कोशिश करेंगे तो वो बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज उतने फाइन इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास नहीं होते कि हम एक नर्व के अंदर से कितना कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको करें। बट अगर नर्व बंडल इकट्ठा है तो उसमें कई थाउजेंड ऑफ नर्व्स हैं, तो जब वो नर्व्स इकट्ठी होते हैं तो देन इट बिकम्स अ लिटिल एप्रिशिएबल, तो जो करंट पैसेज है उसमें से एप्रिशिएबल हो जाता है, जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। तो नहीं 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 उसमें ना वो एल ई मिसिंग है, मैंने दोबारा कर रहा हूँ आपको। हेलो, सो हमने अब यहाँ का इस स्लाइड से मुख्यतः यही देखने को मिलता है कि एक तो हमारे चक्रास हैं और उनके साइड बाय साइड हमारे प्लेक्सस हैं जो शरीर के अंदर हमारे मौजूद हैं। तो अगर हम कुछ इसको और सेकंड स्लाइड में जाएं, तो हमने एक देखा कि ये हमारी ब्रेन स्टेम आती है जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से जाती है। तो इसमें वर्टिब्रास हैं, उसके अंदर डिस्क हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखते हैं कि एक तो डिसेंडिंग ट्रैक शो करता है और एक इसको असेंडिंग ट्रैक शो करता है। तो डिसेंडिंग ट्रैक के आगे मोटर फंक्शन बोला जाता है, तो असेंडिंग ट्रैक के आगे सेंसरी फंक्शन बोला जाता है। तो अगर हम मोटर और सेंसरी की बात करें तो हम इसको रफली इक्वेट कर सकते हैं हमारी प्राणिक एनर्जी के साथ और हमारी मेंटल एनर्जी के साथ। तो अगर हम मेंटल एंड प्राणिक एनर्जी की बात करते हैं तो हमारा इदा और पिंगला का रेफरेंस आ जाता है। सो समहाउ योगिकली हम इदा और पिंगला की बात कर रहे हैं और एनाटॉमिकली हम ये डिसेंडिंग ट्रैक और असेंडिंग ट्रैक की बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि अगर हम विजुलाइज करें अपने ब्रेन को और उसके साथ अटैच अपनी स्पाइन को, इसको एक यूनिट लें, तो ये तीन यू नो डिफरेंट लेयर्स के अंदर पैक्ड होता है, एनवेलप्ड होती है। तो इसको पिया मैटर, आर्कनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर कहते हैं। और जब हम अपने कुंडलनी की बात करते हैं तो उसमें तीन मुख्यतः नाड़ियों की बात होती है, इदा की बात होती है, पिंगला की बात होती है और सुषुम्ना की बात होती है। और जब हम सुषुम्ना के अंदर जाते हैं तो हम वज्रनी की बात करते हैं, चित्रणी की बात करते हैं और ब्रह्मनाड़ी की बात करते हैं। तो बेसिकली कई बार देखने में आता है कि यार ये तीनों चीजें काफी आपस में मिलती हैं, उनकी तीन जो कवरिंग्स हैं और हमारी तीन नाड़ियां हैं और हमारी तीन इंटर ट्यूबुलर, ये अगर रिप्रेजेंटेशन हम करें सुषुम्ना की तो ऐसे है कि भाई ये हमारी सुषुम्ना है तो इसके एक सेंट्रल एक्सिस है जिसको हम ब्रह्मनाड़ी कहते हैं, और सेंट्रल एक्सिस के बाहर एक चित्रणी नाड़ी है, उसके बाहर एक वज्रनी नाड़ी है, उसके बाहर एक सुषुम्ना नाड़ी। जब भी हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर जाएंगे तो हमारे को ये तीन नाड़ियों का पता होना जरूरी है। सो इसका मतलब हमारी कब इदा एक्टिवेटेड है, कब पिंगला एक्टिवेटेड है, कब सुषुम्ना एक्टिवेटेड है, ये पता होना हमारे किसी भी साधक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये तीनों चीजें हम एट विल इनको ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, तो वो हम प्रैक्टिस इसके अंदर करेंगे। तो जहां पे सुषुम्ना की बात है, जब भी हमारी प्रैक्टिस करते हुए हीट का संचार, सुषुम्ना का संचार हमारे स्पाइन के अंदर होगा तो इसका मतलब सुषुम्ना एक्टिवेट हो रही है। जब उसके बाद सेकेंड स्टेज आएगी, जब एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमारे को झटके लगने शुरू होंगे। तो जैसे जैसे झटके लगने शुरू होते हैं तो वो वज्रनी में एंट्री की को दर्शाता है। तो उसके बाद जब हमारे उसके बाद चित्रणी, चित्रणी से नाम है कि जहां पे हमारे को दर्शन होगा, चित्र जहां पे चित्र दिखेगा, तो वो शक्ति कैसी दिखाई देती है इसका हमारे को आभास वहां पे होगा। तो इसका मतलब हम ये उसकी वो इंटरनल चित्रणी नाड़ी के अंदर हमारी एंट्री है। And when we enter into the central axis of all these three tubular aspects, तो हम ब्रह्म नाड़ी के ऊपर आते हैं, जिसके ऊपर हम कहते हैं कि सारे चक्रास जो हैं, वो उसके ऊपर located है। तो हमारे को सुषुम्ना, वज्रणी, चित्रणी, ब्रह्म नाड़ी और दूसरी तरफ इदा, पिंगला और सुषुम्ना, इसको experience करने की बात है। तो आज हम धीरे धीरे इदा, पिंगला और सुषुम्ना को एक्सपीरियंस करने की बात करते हैं। तो हाउ दे आर कनेक्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ये भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने डिफरेंट तरह से कुछ प्रैक्टिसेस करके अपनी वो बनाई सी चीजें कि जिससे कि हम
कैसे इन सारे को किसी मुद्रा के माध्यम से या किसी फिजिकल फॉर्म के माध्यम से इनको एक्टिवेट कर सकते हैं, तो वो आज हम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब अपनी अपनी जगह पीठ सीधी करके बैठ जाइए, अपने को फोकस करें, अपनी अटेंशन जो है अपने श्वास के ऊपर लगाइए। आपकी जो लेफ्ट नासिका और राइट नासिका, लेफ्ट नासिका इडा, राइट नासिका पिंगला, इसका मतलब श्वास जिस नासिका में से चल रहा हो उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी आपकी वो नाड़ी खुली है। अगर आपका मेन फ्लो लेफ्ट नासिका में से चल रहा है तो इस समय आपका इडा एक्टिवेटेड है। अगर आपका राइट से चल रहा है तो इस समय आपकी पिंगला एक्टिवेटेड है। अगर शून्य नाड़ी चल रही है, इसका मतलब कि दोनों का फ्लो इक्वल है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसर्न कि लेफ्ट चल रही है कि राइट चल रही है, इसका मतलब आपकी सुषुम्ना खुली है। तो इनको हमने कुछ प्रैक्टिसेस से 25-30 तरह से हमने इसको चेंज करने की प्रैक्टिस की थी और उसकी हमने मुद्राएं बनाई, उनमें से एक दो हम आपके सामने करते हैं। इट टेक्स अराउंड 20-25 मिनट्स में चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर रख लीजिए और राइट हैंड इसको नीचे रख लीजिए इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी ऑन योर सेंटर लाइन, और बैक को अपना स्ट्रेट करके बैठ जाइए और अपनी श्वास को वॉच कीजिए अपनी फ्लोइंग थ्रू योर नोज नेजल पैसेजेस। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आपका श्वास है, जो हाथ आपका ऊपर है उस साइड वाली नासिका में फ्लो करना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे सांस लंबा लीजिए तो आपको जल्दी पता लगेगा। हैंड पोजिशन असेंशियल, हम 25-30 सेकंड रखेंगे, फिर आप में से किसी को पता लगे तो यू कैन रेज योर हैंड, फिर हम सेकंड साइड में जाएंगे। आशुतोष जी आप हाथ ऊपर कर देना इफ यू फील इट। गुड राधेश जी, देख लिया, किसी को पता लगा? आपकी खुल गई है जितने परसेंटेज में आपको फील हो रहा है वहां पे श्वास चल रहा है। अब इस हाथ को नीचे ले जाएं, दूसरे हाथ को ऊपर ले जाएं, पाम्स फेसिंग ईच अदर, आर्म हॉरिजॉन्टल इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी इन फ्रंट ऑफ योर सेंटर लाइन। इससे आप देखेंगे कि आपका श्वास धीरे धीरे आपकी रेज आर्म की तरफ जा रहा है। इन माई केस इट इज राइट। जिसका जाए वो एक बार बता दे कि हाँ एक्सपीरियंस हो गया। जी सर, लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब हम उसको सेंट्रल पैसेज पे लेके जाएंगे। इन दोनों हाथों को अपनी सेंट्रल लाइन के ऊपर फेसिंग ईच अदर वर्टिकली रखो। एंड वॉच योर ब्रेथ। धीरे धीरे सूक्ष्म सांस लीजिए। जैसे ही आप सूक्ष्म श्वास लेंगे तो आपको एक्सपीरियंस ज्यादा होगा कि कहां से फ्लो कर रहा है। बोथ द नेजल पैसेजेस विल स्टार्ट फ्लोइंग टुगेदर इक्वली एंड व्हेन दे डू दिस सुषुम्ना इज ओपन।
जब आपको यह ना पता लगे कि लेफ्ट चल रही है कि राइट चल रही है, इट मींस बोथ द साइड्स आर बैलेंस्ड एंड सुषुम्ना इज ओपन. पता लगा किसी को? यस सर. बेटर थोड़ा आई कैन फील दिस. हाँ, तो जैसे जैसे आप इसमें जितने सूक्ष्म आप होंगे उतनी जल्दी आपको पता लगना शुरू हो जाएगा. तो ये हमने देखा कि ये तीनों चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं. अब जैसे हम नमस्ते करते हैं, नमाते, जैसे ही आप हाथ अपने सेंटर लाइन पे लेके जाते हो, इनको प्रेस करते हो टुगेदर, ये सुषुम्ना खुल जाती है. और नमस्ते तो हो गया, नमाते कि मैं किसको नमन कर रहा हूं, वो जो आपके अंदर है. तो मैं इस आकृति को नमस्कार नहीं कर रहा, मैं जो आपके अंदर है उसको नमस्कार कर रहा हूँ, वो सुषुम्ना के ही अंदर है. तो इसलिए जैसे ही हम हाथ को अपनी सेंटर लाइन के ऊपर रखेंगे, दोनों को सेंटर पे लेके जाएंगे, तो हमारी धीरे धीरे सुषुम्ना ओपन होनी शुरू हो जाएगी. अब बात यह अलग है कि भाई राइट की खोल के क्या फायदा है, लेफ्ट की खोल के क्या फायदा है, या सुषुम्ना खोलने का फायदा क्या है. कुंडलनी के लिए हमारे को सुषुम्ना की जरूरत है जब हमने चक्रों के ऊपर आरोहण करना है, उस समय हमारे को कुंडलनी में सुषुम्ना का पता होना जरूरी है. अदरवाइज अगर आप सर्व ज्ञान में जाएंगे तो दुनिया में अपने जीवन काल में हम कई कर्म जैसे कैसे करने चाहिए, किस समय करने चाहिए, वो इनके साथ मैनिपुलेट करके उनको सिद्ध कार्य बना सकते हैं. तो ये एक छोटी सी प्रैक्टिस थी जिसमें हमने इदा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिस की. अब हम उसके नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. सर दोबारा स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी. हाँ जी, या आई नो जी जी तो हम यहाँ पे थे, तो इसलिए अब हमने एक्टिवेट किया इदा, पिंगला और सुषुम्ना को. तो ये हमने एक्सपीरियंस किया. अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. तो जब भी हम ब्रेन फंक्शनिंग पे जाएंगे, तो ब्रेन फंक्शनिंग के ऊपर हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लोब्स जो हैं ब्रेन के, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को केटर करते हैं. जैसे हमने ऑक्सीपिटल लोब है, सेरिबेलम है, पैराइटल लोब है, फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है. ये स्लाइड के अंदर सारा कुछ दिया हुआ है, उस स्लाइड में दे भी दूंगा, तो आप बाद में इसको नोट कर सकते हैं. तो मेरा यहाँ पे इस स्लाइड को डालने का पर्पज इतना ही है कि हमारी श्वास का ब्रेन के लोब्स के साथ क्या कनेक्शन है, ये चेक करने के लिए. इसलिए मैं चाहूंगा कि सारे बंदे आराम से बैठें, अपनी पीठ को सीधा रखें, मेरुदंड को सीधा रखें, अपनी राइट आर्म को उठाएं, हॉरिजॉन्टल करें और अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें. और इनहेल करें लेफ्ट के थ्रू स्लो एंड डीप. एक्सहेल भी वहीं से तीन बार करें और फील करें कि आपके किस पार्ट ऑफ द फोरहेड के अंदर सेंसेशन जा रही है. जब आप राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और लेफ्ट से इनहेल कर रहे हैं, तो आपका राइट फोरहेड जो है एक्टिवेटेड होता है, इसको फील करें. ऐसे अगर दूसरी साइड बंद करें, राइट से इनहेल करें, तो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रंटल लोब एक्टिवेटेड होता है. वो आपको एक्सपीरियंस हुआ किसी को? ये तो मास्क उतार के ही करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं पता लगेगा. प्रशांत जी ने मास्क लगाया हुआ है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ. एक नासिका को बंद करेंगे, दूसरी से श्वास लीजिए, तो आपके ऑपोजिट साइड का ब्रेन एक्टिवेट होगा, उसमें सेंसेशन जाएगी, उसको फील करना.
अगर आप सेंसिटिव इनफ हैं तो आप अपने लोब के ऊपर जो इंपल्स चल रही है उसको अगर ड्रॉ करेंगे, वो आप मेजर नाड़ियों को भी ड्रॉ कर सकते हो विदाउट यू नो एनाटॉमी किए हुए ब्रेन की। तो योगियों ने तो ऐसे ध्यान में देखा, ध्यान में ही उन्होंने फील किया, जैसे ही उन्होंने फील किया कि किस किस तरह से वो नेटवर्क जा रहा है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन कौन सा जो इम्पल्स है किस किस पाथवे से वो फ्लो कर रही है। तो इससे हम ये जान लेते हैं कि जो इधा है वो हमारे लेफ्ट नेजल पैसेज है, वो हमारे राइट ब्रेन से कनेक्टेड है, और जो पिंगला है वो हमारी राइट नेजल पैसेज है, वो हमारे लेफ्ट से कनेक्टेड है। इसलिए जब भी जितने भी शादीशुदा लोग हैं जब वो फोटो खिंचवाते हैं तो अर्धांगिनी किस तरफ खड़ी होती है, वो हमेशा लेफ्ट साइड में खड़ी होती है। वो क्यों खड़ी होती है? क्योंकि ये हमारा फेमिनिन फ्लो है, ये हमारा पार्वती स्वर है, तो ये स्त्री स्वर है, तो इसलिए उसको लेफ्ट साइड में खड़ा किया जाता है। अगर आपने चेंज देखनी है अपने जिंदगी के अंदर तो उनको उठा के लेफ्ट से जगह हमेशा अपनी राइट पर खड़ा करना शुरू करो, फिर देखो आपकी जिंदगी में होता क्या है। तो इसलिए लेफ्ट एंड राइट हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ब्रेन का एक्टिवेशन कर सकते हैं, हम इधा पिंगला सुषुम्ना को खोल सकते हैं। तो इस तरह से हम इन चीजों को देख सकते हैं। अब हम इनको दोबारा, मैं स्लाइड के ऊपर जा रहा हूं, ये हमने बेसिक ब्रेन की बात की थी, तो इसके डिफरेंट मोटर फंक्शंस हैं, इसके इसके ऊपर तो सेपरेट एक लेक्चर सेपरेट ही होगा, बिकॉज ये तो काफी डिटेल की बात है, इसके ऊपर हमने रिसर्च वगैरह जो भी किया हमने इन चीजों के ऊपर ही किया, वो देन आई कैन शेयर व्हेन वी हैव अ सेपरेट टॉपिक फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्कशन। तो अभी हम इसके ऊपर नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट में अगर जाते हैं तो हमने क्या किया कि हमने ब्रेन को, अगर टॉप ये जो आप स्केच देख रहे हैं, अगर ये ब्रेन का स्केच है व्हेन यू सी फ्रॉम द टॉप, तो जब आप ऊपर से देखते हैं ब्रेन को, इसको 360 डिग्री को 50 डिविजन में आप डिवाइड कर लीजिए, सो ईच डिविजन विल कैटर टू 7.2 डिग्री। तो इस तरह से हमने ब्रेन को डिवाइड किया 50 डिग्रीज के अंदर, फिर हमने इसकी कैलकुलेशन की कि इसकी फ्रीक्वेंसीज निकाली जाए। सो हमने इन 50 जो आर्क्स थी इनकी एक इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, तो वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करके हमने आगे उसका काम किया, विच कैन बी यूज्ड फॉर चक्र जागरण एज वेल एज यूज्ड फॉर साइकेट्रिक पेशेंट्स। जैसे जैसे हम चक्रों की बात करते हैं तो हमने 7 चक्रों की मुख्यतः बात की, तो सबसे पहले हमने मूलाधार की बात की। मूलाधार का जैसे नाम ही इटसेल्फ है, मूल आधार, हमारा मूल रिक्वायरमेंट क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें ही एक जो भी सृष्टि में आता है उसको इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसके माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिस भी एज ग्रुप में पहुंचता है तो वहां पे क्या वो इन चीजों के लिए अभी भी कार्यरत है, अभी भी लड़ाई कर रहा है अपनी जिंदगी के अंदर, क्या उसको ये चीजें ऑलरेडी प्राप्त हैं। अगर वो अभी भी लड़ रहा है इन चीजों के लिए, हर जगह भाग रहा है, इवन इफ इन द ओल्डर एज, इट मीन्स वो मूलाधार चक्र जो है उसका पूर्ण तरह जागृत नहीं है। अगर वो एक मकान की जगह 4 मकान बनाने में भाग रहा है, अपनी अमेनिटीज को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, इसका मतलब वो ओवर एक्टिविटी में जा रहा है। तो मतलब मूलाधार जो है इसको आइदर वी कैन एक्सपीरियंस एंड ट्रांसेंड, और वी कैन वर्क इन टू इट एंड ट्राई टू अचीव द गोल्स डिफाइंड बाई इट। तो ये दोनों चीजें पॉसिबिलिटी है, या इनको समझ के हम इसको ट्रांसेंड कर जाए तो हम उधर की भागदौड़ से बच जाएंगे, और हम इसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश में इसके जो एस्पेक्ट्स हैं उनके पीछे भागते रहें तो चांस है कि हम दोबारा उनके साथ हमारी अटैचमेंट ही हो जाए और हम उनसे छूट ही ना सके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रगलिंग फॉर बेसिक अमेनिटीज है, एक्सेसिव इंटेलिजेंस है, ये सारे मूलाधार के लक्षण हैं। लैक ऑफ सिक्योरिटी है, आपका फियर है अबंडनमेंट का, आपकी नर्वसनेस है, आपकी रेजिस्टेंस टू चेंज है, ये भी उसी का है। तो ऐसे ही अगर आप एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, ब्लड है, आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, फैटीग है, स्लगिशनेस है,
और आप एक जगह पे स्थिर होके बैठ नहीं सकते, तो ये सारे इसी के लक्षण है कि हाँ भी ये ठीक नहीं है। तो इसका बीज हमने लंब बोला। सेकेंड है स्वाधिष्ठान चक्र। जब स्वाधिष्ठान चक्र में आते हैं तो ये क्रिएटिविटी है, स्व अधिष्ठान हमारा अपना अपनी जगह है। क्रिएटिविटी क्या है कि अ वुमन कैन क्रिएट अ लाइफ, ये उनकी क्रिएटिविटी है। बट इन द ग्रॉसर सेंस क्रिएटिविटी इन आर्ट, ये भी एक स्वाधिष्ठान का ही गुण है। तो स्वाधिष्ठान जो चक्र है, यूरोजेनिटल एरिया हमारा आ गया, तो लोअर बैक पेन हो सकती है, तो इसमें आपकी जो भी किडनी के इन्फेक्शन हो सकते हैं वो आ सकती है, इनफर्टिलिटी आ सकती है, इम्पोटेंस आ सकती है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ओवर इमोशनल हो सकता है बंदा, और अटैचमेंट हो सकती है, और पित्त और कफ ये दोनों ह्यूमर इसके अंदर आते हैं, तो इसका इम्बैलेंस हो सकता है इनमें, तो ओवरीज की, टेस्टिस की, यूट्रस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इमोशनली स्टिफ हो सकता है आदमी, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम हो सकती है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट उसके व्यक्ति के अंदर देखने को हमारे चीजें मिल जाएंगी, संभावनाएं मिलेंगी। तीसरा अगर मणिपुर चक्र में आते हैं तो इसमें मणिपुर चक्र जो है ये हमारे पास्ट कर्मास का सेंटर है। सो आई नो अ सर्जन हु वुड नेवर कट नेवल ऑफ ए पेशेंट बिकॉज ही थॉरली बिलीव्ड दैट ऑल हिज कर्मास आर स्टक इन हिज नेवल। तो इसके अंदर ये देखा जाता है कि ये एक, अगर इसको नेचुरल एवोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले जब जीव पैदा होता है तो उसको खाने के लिए चीज चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, रहने के लिए स्थान चाहिए। जब ये तीनों चीजें मिल गई तो उससे नेक्स्ट एवोल्यूशनरी लेवल पे जाएगा, तो उसको क्या चाहिए, बायोलॉजिकल नीड उसकी आ जाती है। तो बायोलॉजिकल नीड के लिए स्वाधिष्ठान चक्र आता है। जब उसकी बेसिक ह्यूमैनिटीज पूरी होगी, बायोलॉजिकल नीड्स पूरी होगी, तब वो उससे नेक्स्ट एवोल्यूशनरी लेवल पे आता है, दैट इज कॉल्ड पावर। तो उसको चाहिए कि पावर, कि मेरी लोग बात माने। तो इसके लिए कि क्या आपकी बात मानते हैं लोग, ये देखें, या नहीं मानते ये देखें, तो इससे पता लगेगा कि आपका मणिपुर चक्र जो है कितना एक्टिवेटेड है, कितना इफेक्टिव है। डू यू वॉन्ट देम टू फॉलो योर कमांड्स, या आप एक्सेसिवली ये चाहते हैं कि फॉलो करें, या आप ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति आपके पास आए उसको आप राइट काइंड ऑफ गाइडेंस दें। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, एक थोड़ा उसका नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया। तो क्या आप चाहते हो कि आपके आसपास जो भी चीजें पड़ी हो वो दे शुड बी इन द परफेक्ट ऑर्डर एज यू डिजायर। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका लोअर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिवर है, पैनक्रियाज है, मेटाबॉलिक सिस्टम है, एंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो इनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब मणिपुर चक्र की कुछ ना कुछ डिसफंक्शनैलिटी है। उसके बाद हम अनाहत के ऊपर आ जाते हैं। अनाहत के ऊपर जाएंगे अनाहत, जहां पे बिना चोट के स्वर हो रहा है। तो ये एक स्थान है जो विशुद्ध संकल्प का स्थान है। तो ये एक प्रेम का विषय है। वो कहते हैं कि जो स्त्री है उसका जो अनाहत चक्र है वो जागृत होता है, जो पुरुष है उसका आज्ञा चक्र जागृत होता है। तो इसलिए उसको सेवा, प्रेम और सेवा, ये उनके स्वाभाविक गुण है। बट प्रेम और सेवा करते करते वो मोह को प्राप्त हो जाते हैं, तो वो जो मोह का स्थान है वो उसको डिग्रेस करने के लिए शुरू हो जाता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। तो जो भगवान ने उनको फंक्शन दिया था टू लव एवरीवन एंड डू एवरी सेवा, वो ही कॉज बन गया हमारे डाउनफॉल का। तो इसलिए जो अनाहत चक्र है उसमें आप ये देखें कि बंदा केयरिंग है, लविंग है, अटैच है, अगर या कोल्ड है, डिस्टेंट है, अनविलिंग टू ओपन है, लैक सेंस ऑफ सेल्फ इन रिलेशनशिप, इम्बैलेंस्ड है, उसका कफ जो है खराब हो सकता है। यहाँ पे डिजीजे जो होंगी उसको नेचुरली चेस्ट की हो सकती है, ब्रेस्ट की हो सकती है, हार्ट की हो सकती है, आर्म्स की हो सकती है, हैंड्स की हो सकती है, आपके हैंड्स के ज्वाइंट्स की हो सकती है, थाइमस की हो सकती है, इम्यून सिस्टम का हमारा थोड़ा गड़बड़ा सकता है। तो इस तरह से हमारे कोई आइडिया लग सकता है देखने से कि इसको ये बीमारी है व्यक्ति को, तो हो सकता है इसका इम्बैलेंस ऑफ दिस चक्र हो सकता है। तो उसके बाद हम आते हैं विशुद्धि चक्र के। विशुद्धि में एक प्योरिफिकेशन है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारी वोकल कॉर्ड्स आती हैं। जो वोकल कॉर्ड हमारे अंदर आएंगी तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, आइदर यू कैन बी अ गुड ऑरेटर, आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत ट्रूथफुल है, तो ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और दूसरी तरफ आप अननेसेसरीली बोलते हैं, टॉकेटिव हैं, अब्यूजिव हैं, हाईली क्रिटिकल हैं, नॉट रेडी टू लिसन टू एनीबॉडी,
इट मींस आपका जो स्पीच का वो शुद्धि चक्र में आपने नेगेटिव एटीट्यूड लिए हुए हैं, तो इसलिए इंट्रोवर्ट हैं, शाही हैं, इसके अंदर आपका थायराइड आ जाता है, पैराथायराइड आ जाता है, तो सोरनेस एंड स्टिफनेस ऑफ थ्रोट हो सकती है, आपकी ईयर एक्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकती है, डेंटल इश्यूज हो सकती हैं, तो ये सारी की सारी हमारी विशुद्धि चक्र के साथ हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आगे चल के अज्ञा चक्र आ जाता है। विशुद्धि चक्र ऐसा है जहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट आपका खत्म हो जाता है, तो दुनिया की जो मार है पांचवें चक्र तक है। तो जब साधना करते हुए आदमी साधक इस पांचवें चक्र को आरोहण करके छठे चक्र में जाता है, तो दुनिया की ड्वालिटी वहां से खत्म हो जाती है। बट अनदर काइंड ऑफ ड्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट, वो क्या है कि मैं और मेरा गुरु, ये ड्वालिटी उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो वो रिप्रेजेंट करती है दो पेटल्स के साथ, अज्ञा चक्र की दोनों पेटल मैं और मेरे गुरु की है। और इसके अंदर साधना क्या है कि जो 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 शिष्य है उसके अंदर गुरु की सारी एट्रीब्यूट्स रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाए, कि धीरे धीरे शिष्य ही गुरु और गुरु शिष्य दोनों के बीच में भेद जो है ये खत्म होना शुरू हो जाए। इससे हम कह सकते हैं कि वो अपनी अज्ञा चक्र की परिपक्वता को पा गया। तो इसके अंदर कफ प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर कफ भी है तो यहां से हमें पता लग सकता है कि ये कफ किस कारण है। तो इसके बाद राइट डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए हमारे को, रिजिड थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। अगर रिजिड है थिंकिंग, इसका मतलब उसका बोला एस्पेक्ट पॉजिटिव नहीं है, तो उसको रिजिड थिंकिंग नहीं हो, ओपननेस होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, फ्यूचर का फियर नहीं होना चाहिए और पास्ट को क्लिंग नहीं करना चाहिए। द पर्सन शुड बी लिविंग इन द मोमेंट, अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगर डिसकनेक्टेड होगा तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। इससे डिसफंक्शनैलिटी हो सकती है, पिट्यूटरी की हो सकती है, बायोरिदम्स में प्रॉब्लम हो सकती है, बेस ऑफ द स्कल की प्रॉब्लम हो सकती है, आईब्रोज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से हम इनको आइडिया से ले सकते हैं कि इन छह चक्रों से ये चीजें हो सकती है। तो नेक्स्ट आपका सातवां चक्र आता है, तो उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी का सेंटर है कि जब वो सिक्स्थ चक्र से सेवंथ चक्र की तरफ जाएगा, उसकी ड्वालिटी तो बंदे की खत्म हो जाएगी, बट मैं हूं की जगह मैं तो खत्म आ जाएगा, हूं रह जाएगा। जब वो हूं खत्म होने की यात्रा सिक्स्थ से सेवंथ की तरफ है, तो सेवंथ की तरफ जाते जो इसकी मर्जेंस है, तो मर्ज करना है हम लोग उस रियलिटी के अंदर जो कि हमारे को अपने से बाहर फेंक के ड्वालिटी में धकेल रही है। तो अगर हम ध्यान के परिवेश में जाते हैं, तो जैसे जैसे आप आज्ञा चक्र से ऊपर जाते हैं तो बिंदु आता है, उस बिंदु का जो पियर्सिंग है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जहां पे आम साधक की साधना सिक्स चक्र में खत्म हो जाती है, वहां से योगी की साधना शुरू होती है। तो जैसे ही वो बिंदु से नीचे जितना भी एरिया है वो कर्म का क्षेत्र है, और बिंदु से ऊपर जो एरिया है वो कृपा का क्षेत्र है। तो इससे जैसे ही और बिंदु के अंदर मन की यूनिट एक मानी जाती है, और जब भी हम उसका पियर्सिंग करते हैं तो मन की यूनिट हाफ हो जाती है, और जैसे ही हाफ हो जाती है तो ये एक उत्सव की तरह बन जाता है योगी के लिए कि उसने अपने 50% माइंड को उखाड़ के फेंक दिया। तो ऐसा कुछ हम उसका कह सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ओके, तभी अब जो हमारे हम कहते हैं कि कुंडलनी शक्ति जो है वो किसी तरह से मूव की, जब भी कोई मूवमेंट होती है तो वो किसी ना किसी फॉर्म में होगी। तो जो साउंड की हम फॉर्म लेते हैं, नाद की फॉर्म लेते हैं, तो हमने उसको साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में लिया कि वो ऐसे ही चलती है। जब वो ऐसे चलेगी तो इसके कई एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। तो एक तो होता है कि यहां से लेके यहां तक, टी तक, सेंटर लाइन से ये आपकी वेव लेंथ आ गई, ये जो ऊपर है ये आपका एम्पलीट्यूड आ गया, और कितनी नंबर ऑफ वेव्स इस पॉइंट से पर सेकेंड निकलती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सो व्हेनेवर देयर इज अ वेव फॉर्म, तो तीन एस्पेक्ट उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और एक वेवलेंथ इंपॉर्टेंट हो जाती है।
जो वेवलेंथ है इसको मीटर्स में भी कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी को आप हर्ट्ज में करते हैं, तो ऐसे ही आप एम्पलीट्यूड को भी ऐसे मीटर्स में भी कर सकते हैं, उसका यूनिट उस तरह से हम बना सकते हैं। तो जब हम साउंड साउंड के हमने जब एक्सपेरिमेंट करने डॉक्टर साहब आपकी स्लाइड नहीं शो हो रही, प्लीज शेयर योर स्लाइड। सॉरी सर। अब देख रहे जी जी इसको इनलार्ज कर दीजिए। हाँ, तो हम ये साइनोसाइडल वेव की बात कर रहे थे कि इसका जो एक तो ये क्रेस्ट है ऊपर का हिस्सा, ये नीचे का ट्रफ है, तो ये क्रेस्ट और ट्रफ दोनों इक्वल होते हैं, इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है एक वेव फॉर्म की, इसको हमने वेव लेंथ कहा। और यहाँ इस पॉइंट से जब वेव एमिनेट होती है तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड जो एमिनेट होती है तो उनको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज में है और दूसरी दोनों जो की यूनिट्स हैं वो हम मीटर्स में कह सकते हैं। इसके बाद जब हमने फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम करना शुरू किया, उनकी वेव फॉर्म्स देखनी शुरू की, तो चार तरह की वेव्स हम यूज करते हैं। इसके अंदर साइन वेव आ जाती है, स्क्वेयर वेव आ जाती है, ट्रायंगुलर वेव आ जाती है, सॉ टूथ वेव आ जाती है। ये स्क्वेयर वेव और सॉ टूथ वेव ये दोनों बड़ी हार्श वेव्स हैं। ट्रायंगुलर वेव और साइन वेव ये स्मूदर वेव्स हैं, ये माइल्ड वेव्स हैं, ये शांत करती हैं हमारे मन को, इसलिए हमने इनके कॉम्बिनेशन को यूटिलाइज किया फॉर पेशेंट्स के लिए। तो दूसरी तरफ हमने ये चार ये वेव्स पांच वेव्स की भी बात की, डेल्टा वेव है, थीटा वेव है, अल्फा वेव है, बीटा वेव है, गैमा वेव है। जब हमारा ब्रेन एक्टिव होता है तो जो एनर्जी इम्पेंज होती है फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन चलती है, वो अपने एक एक्सॉन होता है उसके बीच में से वो वहां से एकदम इम्पल्स जनरेट होकर दूसरे न्यूरॉन के अंदर जाती है। तो उस इंपल्स के साथ हमारे एनर्जी कई ऐसे नंबर ऑफ बिलियंस ऑफ हमारे सेल्स हैं, तो जब ये सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो ये एक एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ इंपल्स ट्रेवल हो जाता है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से वो चलता है। इट कैन बी अ केमिकल एनर्जी, इट कैन बी अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रो कैसे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अगर वो हमारी मैग्नेट के थ्रू से जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ सकती हैं, तो उनको भी मेयर किया जाता है। तो उनके उनके बीच में हम देखते हैं फिर कि ये कौन से वाली वेव फॉर्म हमारी फ्लो कर रही है और वो कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज में चल रही है। तो अगर फ्रीक्वेंसी रेंज 0 to 4 है उसको डेल्टा कह जाते हैं, फिर थीटा कह देते हैं, 4 to 7, 7 to 13 आ जाती है, 13 to 24 आ जाती है, फिर गामा जो है वो हायर वेव फॉर्म हो जाती है। जब भी हम ध्यान की प्रक्रिया में जाते हैं तो हमारा डेल्टा वेव एक्टिवेटेड होती है 0 to 5, 0 to 4, है ना। ऐसे ही थीटा वेव है, थीटा वेव में आप थोड़ा सा उससे ज्यादा कॉन्शियस ऑफ द सराउंडिंग्स हो जाते हैं। जब भी आप किसी अच्छे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बात करेंगे who has a greater vision, तो वो अल्फा रेंज के बंदे होते हैं, तो इसलिए अल्फा रेंज के बंदे को ऑलवेज यूज करते हैं क्योंकि वो बड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी होता है, ना वो नीचे जाता है ज्यादा ना वो ऊपर जाता है, हाईली एक्टिवेटेड ब्रेन सेल्स के अंदर जाता है, एक्टिवेशन में जाता है। तो इसके वैसे बंदों को सीईओ वगैरह कंपनी के बड़े अच्छे होते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो कि हम रिक्रूटमेंट से पहले हमारे को देखना चाहिए कि हाँ भी बंदा कौन सी वेव्स प्रेडोमिनेंटली जनरेट करता है अपनी बॉडी के अंदर। तो इनके ऊपर भी टेस्टिंग कर सकते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट बिगर इशू। तो हम इससे नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो इसको हमने एक समराइज करने की कोशिश की कि अगर वेवलेंथ जो है हमारी स्पीड ऑफ द लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें, अगर हमारी जो जो फ्रीक्वेंसी है 0.1 है, मतलब कि 0.1 वेव पर सेकंड एक पॉइंट से निकल रही है, और हमारी फिक्स्ड है लाइट की स्पीड ऑफ द लाइट, और उसको हम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारी वेवलेंथ जो है ये इतनी बन जाती है 3 × 10⁶, इतने किलोमीटर रेंज बन जाती है। तो ऐसे ही अगर 4 कर देंगे हम अपनी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज तो ये 75,000 बन जाएगी। अगर इसको 7 कर देंगे 42,800 बन जाएगी। अगर 7.83 कर देंगे विच इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ, तो ये हमारी 38,000 बन जाएगी। तो ऐसे ही हम जैसे जैसे बढ़ाई जाएंगे इसको, तो वो हमारी जो वैल्यू है
अल्टीमेटली 0.3 मीटर्स पे 0.3 मीटर्स के ऊपर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो उससे हमारा जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होनी शुरू होगी। मतलब कि वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है अगर आप देखेंगे इन द फॉर्मूला ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो जो इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई, तो यूएस के अंदर काफ़ी रिसर्च हुई इसके ऊपर भी, तो रशिया में बहुत हुई। तो लोगों ने इसको इक्वेट किया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा थॉट प्रोसेस है और जो वेवलेंथ है वो हमारी कॉन्शियसनेस है। तो इससे क्या हुआ कि जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ बढ़ती है तो इसका मतलब कॉन्शियसनेस हमारी एक्सपेंड कर रही है, और जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है वो कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करती है। तो अगर कॉन्शियसनेस हमारी एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.1 हैपन टू बी 3×10^6, इसका मतलब कॉन्शियसनेस हमारी इतनी एक्सपैंड होगी दैट अ पर्सन योगी बिकम्स ओमनी प्रेजेंट। तो उसको डिस्टेंस की चीजें सारी पता लगनी शुरू होगी। बट अगर उसके दिमाग के अंदर थिंकिंग प्रोसेस ही इतना चल रहे हैं कि एनर्जी हमारी डिसिपेट इधर उधर हो जा रही है, तो उसकी जो कॉन्शियसनेस का सर्कल है वो बहुत ही सिमट के छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हमारे को अपने थॉट प्रोसेस को, कलन को, चिंतन को जितना हम कम करेंगे उतनी ही हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगी। तो इससे हम ये एक आइडिया लगा सकते हैं। तो ऐसे डेल्टा इन वेव्स को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए भी यूटिलाइज किया जा सकता है, तो वो हम अभी उसके अंदर डिटेल में नहीं जा रहे, मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी गेट अ चांस। तो मातृका और चक्रास की बात करते हैं। चक्र के लिए जब भी हम साधना में बात करेंगे तो चक्र क्षेत्र हम पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में ये चक्र है, फिर हमारे को उसके अंदर की लोकेशन पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद वर्णों की लोकेशन पता होनी चाहिए, उन वर्णों की लोकेशन के लिए चक्र की लोकेशन के लिए मंत्र को पता होना चाहिए, फिर वर्णों के लिए जो पेटल्स हैं उनके मंत्रों का पता होना चाहिए। फिर ये चक्र जो है दो तरह से घूम सकता है, एक क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है। जब ये क्लॉकवाइज घूमता है तो ये हमारी प्राण शक्ति को सृष्टि में फेंकता है, तो हमारे को आउटवर्ड ड्रिवन करता है। अब ये जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो हम टूवर्ड्स द सेंटर ड्रॉ होते हैं, इनवर्ड्स ड्रॉ होते हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप साधना करेंगे तो ये चक्र की गति को हम उल्टा कर रहे हैं, सो दैट वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर नॉट आउटवर्ड्स टूवर्ड द वर्ल्ड। तो ऐसे पियर्सिंग ऑफ द चक्रास है और लोकेशन है उनकी, बिंदु की सेंट्रल बिंदु कहाँ पे है, तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस हो सकती हैं। एंड वी हैव डिवेलप सर्टेन काइंड ऑफ एप्स जिससे कि हम आप किसी भी व्यक्ति को उसके चक्र की लोकेशन और उसके पैटर्न्स की लोकेशन इन हिज बॉडी एक्सपीरियंस करा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो ये अभी छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो इसमें से अगर आपको कुछ इसके बारे में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एंड देन आई थिंक क्योंकि टाइम बड़ा एक लिमिटिंग फैक्टर है, आशुतोष जी ने और भी काम करने हैं बड़े, तो किसी ने कुछ इसका तो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, काम वाली बात नहीं, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था और आपने जिस तरीके से और जितनी जल्दी जल्दी सारी इंफॉर्मेशन दी है, मैं तो सोच रहा था कि भी उसके साथ कोप अप करना बड़ा मुश्किल होगा। चलो तो मैं क्या सर्टेन, हाँ ये क्योंकि आपने दो चीजों को जो कंबाइन किया है, सिमुलेट करने की जो कोशिश करनी पड़ती है हम लोगों को, वहाँ ये दिक्कत आती है कि साइंस और जो ट्रेडिशनल टर्म्स हैं दोनों को हम किस तरह से मिलाएं, किस तरह से समझें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है श्रोता के लिए, क्योंकि हम अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, कोई म्यूजिक से है, कोई साइंस से है, कोई मेरे जैसे संस्कृत से ही है। तो अब आपने जो ये सारी एक्सपेरिमेंटेशन की है, मैं समझता हूँ कि एक पॉइंट पहले क्लियर करें थोड़ा सा, एक एक करके लेते हैं और फिर लोगों के प्रश्न भी बीच में लेंगे, कि ये जो आपकी चक्र साधना है और चक्र के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये म्यूजिक के बच्चों के लिए कैसे यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि ध्वनि का हम मूल्यांकन भी करते हैं, ध्वनि का प्रभाव भी, क्योंकि जैसे लम वम ठम यम रम ये सारी हैं नियम, और फिर उसको आप एवेल्युएट भी कर लेते हैं मशीन्स के थ्रू, तो उसके ऊपर थोड़े से आप एक टिप्पणी करें, फिर उसके बाद प्रश्न लेते हैं। हाँ, तो जैसे जैसे हमने म्यूजिक के पॉइंट से बात कर रहे हैं,
म्यूजिक में सात स्वर होते हैं, और सात स्वरों को सात चक्रों से इक्वेट किया जाता है, सारे गा में पादा नहीं। अब जो सा स्वर है और सा रे गा, ये तीनों स्वर नीचे के हैं, और मोस्टली दुनिया के अंदर आम आदमी अगर हम ऑक्टेव्स के नंबर में बात करें तो डेढ़ ऑक्टेव में जीता है। वो कड़े बहुत ही कोई भाग्यवान या बहुत ही साधक व्यक्ति होते हैं जो कि ढाई से तीन ऑक्टेव में है। हम इसमें आप जितने भी ओपरा सिंगर्स देखेंगे वो तीन तीन ऑक्टेव के अंदर उनकी वॉइस ट्रेवल करती है। अब जो पाकिस्तान सिंगर थे वो भी तीन ऑक्टेव में गाते थे, नुसरत फतेह अली खान, कहाँ से कहाँ वो अपनी आवाज उठा लेते थे। बट नॉर्मली आम जनता जो है एक से डेढ़ ऑक्टेव के अंदर ही अपना जीवन व्यापन कर देती है, मतलब कि फोर्थ से फिफ्थ चक्रा के बीच में ही उनकी सृष्टि खत्म हो जाती है। तो जब हम सा का उच्चारण करें तो सा का उच्चारण ऐसे होना चाहिए कि हमारा जो मूलाधार चक्र है वो उद्वेलित होना चाहिए। तो उसको करने के लिए आपको सीधा बैठना चाहिए, अपनी चिन्ह को थोड़ा सा नीचे करना चाहिए, सो दैट कि आपकी शिखा बिंदु जो है वो आपकी लाइन में आ जाए। तो अपनी बॉडी को स्लाइटली फॉरवर्ड टिल्ट करेंगे और फिर आप लम बीज का अपने लोएस्ट पॉसिबल स्वर के अंदर उच्चारण करो। तो जैसे जैसे आप लोएस्ट पॉसिबल स्वर में उच्चारण करना शुरू करोगे वो धीरे 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 जाके मूलाधार चक्र के भीतर सेंटर में हिट करना शुरू करेगा, उस क्षेत्र को बताना शुरू करेगा। जब आप उसके अंदर जाके हुम बीज का उच्चारण करेंगे, हुम हुम, तो आपको वो उसका सेंटर इंगित करेगा। जब आपको सेंटर पता लग जाएगा फिर आप उसकी पैटल की साधना में जाओगे, पैटल्स के वर्णों के माध्यम से उनके डिफरेंट डिफरेंट पैटल्स को देखोगे। तो जब अब सब जब उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण हम साउंड के अंदर कर रहे हैं। अब साउंड जो है वो किसी ना किसी वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी में ट्रेवल कर रही है, कोई ना कोई उसकी पिच है ना। तो हम उनको कैलकुलेट करके अगर हम साधक को वो स्पेशल वो पर्टिकुलर साउंड उसको सुनाएं तो वो ऑडिटरी नर्व से जाके थ्रू द ब्रेन मिड ब्रेन से जाके वो उसी पॉइंट को हिट करेगा जहां की वो स्वाभाविक साउंड है। तो इसलिए अगर हम सा साउंड उस व्यक्ति की कैलकुलेट करके उसको साउंड के माध्यम से सुनाते हैं तो उसका चक्र अपने आप उद्वेलित होना शुरू हो जाएगा। अगर वो आदमी इंटोनेट भी कर सकता है साथ में तो उसका इफेक्ट मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी उसको वो चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए अगर स्वर का साधना का उसको पता है तो कुंडलनी साधना जो है अ लिटिल आसान है। बहुत रुचिकर है ये, वेरी इंटरेस्टिंग। आई विल ट्राई, आई विल आस्क, रादर आस्क माय म्यूजिक डिपार्टमेंट टू टॉक टू यू अबाउट दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज़ वी आई हैव ऑलरेडी मेड अ ऐप इन व्हिच वी कैन कैलकुलेट all the petal frequencies, all the chakra frequencies of any person. Okay, तो सर इसको आप share किसी वक्त कीजिए। मैं चाहूँगा कि हमारे जो music के बच्चे और particularly संस्कृत के, क्योंकि उनके उच्चारण में भी जैसे हरियाणा का ये थोड़ा सा अपना देसी प्रभाव रहता ही है, शब्द को स करके बोलेंगे, क को क्या करके बोलेंगे। अगर ये करेक्टिव मेथड्स को हम अप्लाई कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए और बच्चों के अनुभवों को बढ़ा सकते हैं तो यू शुड लॉन्च दिस एप्लीकेशन, यू शुड शेयर। सर्टेनली, ये तो डॉक्टर साहब बात है ना, ये वन टू वन का विषय हो जाता है, ये प्लेटफॉर्म का विषय नहीं रह जाता फिर। ठीक है, चलिए मैं और बातें भी करूंगा, लेकिन उससे पहले इफ एनी वन ऑफ यू हैव has a question or any comment to make, so please share with us. थोड़ा मैं देख से जोड़ पाया, कुछ देख से समस्या रही, लेकिन क्योंकि मैं स्वयं भी मनोविज्ञान ऑनर्स का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरा इसमें दो प्रश्न थे। एक तो इन्होंने अंत में बताया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो चक्र, इसकी जानकारी हमें कैसे पता लगेगी कि ये जो है क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। दूसरा मेरा इसमें इतना कहना है कि इससे थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करें। मैंने अभी पिछले दिन एक पुस्तक पढ़ी थी जिसमें
ये लिखा हुआ था कि अगर एक मास तक सीधा कमर करके बैठे और जो है 108 बार जो है ओम का उच्चारण करें तो फिर कुंडलिनी जागरण होने शुरू हो जाती है, तो इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। देखिए जी, आपके मूलतः दो क्वेश्चन है। एक तो है कि कुंडलिनी जागरण के अंदर चक्र की रोटेशन, दूसरा आपका है कि 108 बार से करने से क्या वो जागरण हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर हम अपने चक्रों को देखा जाए, जब कहा जाता है जो मूल आद्य शक्ति जब अवतरित होती है सृष्टि से आते आते मनुष्य के अंदर आती है, तो सबसे पहले आज्ञा चक्र विशुद्धि चक्र में सारे स्वरों को बिठाती है। तो अगर स्वरों की आप लोकेशन देखेंगे वो क्लॉकवाइज है, तो जैसे जैसे वो शक्ति नीचे जाती जाती है वो क्लॉकवाइज होते 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 मूलाधार के सेंटर के अंदर अपना अपना इग्नोरेंस को एम्ब्रेस करके बैठ जाती है। अब जब साधक ने चलना है, साधना के लिए उसको उल्टी तरफ से चलना पड़ेगा। तो जब वो ऊपर से आती थी नीचे क्लॉकवाइज आ रही थी, इट वॉज स्टेब्लिशिंग अस इनटू द वेब ऑफ माया, तो माया में वो धकेल रही थी, तो इसलिए जी माया में धकेले जा रहा था और धीरे धीरे वो दुनिया के पास में अष्ट पास से बंध गया। अब जब वो साधना करेगा तो उसको उस माया के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो इसलिए आपको जो मूवमेंट ऑफ प्राणिक एनर्जी होगी, जब प्राण को आप अपने चक्र के ऊपर घुमाओगे, अगर उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आप दुनिया में फेंके जाओगे, अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब हम उसके सेंटर की तरफ आएंगे, जब हम सेंटर की तरफ आएंगे तब उज्जयी या और अन्य साधनाओं के माध्यम से हम उसको ऊपर उठा के सुषुम्ना के बीच में से लेते हुए अपर चक्रा के अंदर लेके जाएंगे। और इसका मतलब क्या हुआ, जो आद्य शक्ति वहां से आई उसके साथ सब मातृका शक्तियां थी, जैसे जैसे वो डिसेंड होती गई वो उनको स्टैब्लिश करती गई और हमारे को माया में जकड़ती गई, और जब हम ऊपर जाएंगे वो चित यही शक्ति कुंडलनी शक्ति जो आद्य शक्ति के रूप में यहाँ नीचे बैठी है, ये एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगी तो ये शक्तियों को समेटना शुरू कर देगी। जब आप इसको इस प्रैक्टिस को एक्सपीरियंस करोगे तो जैसे ही आपको लगेगा कि एक शक्ति आपकी शक्ति जो है उठ के पहले से दूसरे चक्र में चले गई, तो आपको पहला चक्र बिल्कुल ही एम्प्टी फील होना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि वहां कुछ रहा ही नहीं। तो ये सारी थ्योरी की तो बात नहीं है, ये तो एक्सपीरियंस की बात है। जब आप उस तरह की प्रैक्टिस करोगे तो आप ये एक्सपीरियंस कर लोगे कि यहाँ ये ऐसा कुछ हो रहा है। और जहां तक रही 108 बार की बात, मैं तो शास्त्र होंगे जी सब 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 शास्त्र ठीक है, जिसने भी जो कुछ लिखा सब ठीक है, बट एक आदमी हो सकता है 1000 बार भी ओम का उच्चारण करके कुछ ना प्राप्त कर सके, और एक जो अपना पूर्ण भाव युक्त उसको उच्चारण कर रहा है वो 3 बार में ही उसमें से बहुत कुछ निकाल ले। सो एज फार एज 108 और नंबर्स आर कंसर्न, तो ये एक एक आइडिया सा हो सकता है, बट यू यू कैनॉट से दैट दिस इज द प्रिंसिपल है, ये ऐसे ही चलेगा। जी थैंक यू सर। मेरा एक हाँ प्रश्न हाँ गौरव जी का, डॉक्टर गौरव जी का प्रश्न है आपके लिए। उसके बाद सर मेरा ये प्रश्न है कि कुंडलिनी के माध्यम से क्या हम मानसिक और शारीरिक रोगों को भी ठीक कर सकते हैं? जैसे किसी का अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर है या सेल्फ एस्टीम कमजोर है, तो वो स्वाधिष्ठान चक्र पर अगर मेडिटेशन करे, या जिसका पेट खराब रहता है वो मणिपुर चक्र पर ध्यान करे, तो ऐसा करने से क्या उसके रोगों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? उसका कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी पर्सनैलिटी में कुछ बिहेवियर में चेंजेस आएंगे? देखो, मैंने कहा ना कि जो कुंडलनी के चक्र हैं वो नेचुरल एवोल्यूशन प्रोसेस को ही शो करते हैं। पहला चक्र आपकी बेसिक इम्यूनिटी, दूसरा चक्र आपकी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स, तीसरा आपकी पावर हंग्रीनेस, फोर्थ आपका लव, फिफ्थ आपका विशुद्धि चक्र हो गया, प्योरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपका गुरु से मिलन होगा। तो इसका मतलब ये एक नॉर्मल लैडर्स हैं जिसके ऊपर जो सोल है ट्रेवल करता है फ्रॉम वन लैडर टू अनदर। आप सबसे पहले जब आपको अपने रहने की सुविधा मिल जाएगी और अपना बायोलॉजिकल नीड आपकी पूरी हो जाएगी, तब आप चाहोगे कि यार मेरी बातें लोग माने, सो दैट इज पावर हंग्रीनेस, तो इसलिए वो थर्ड रिप्रेजेंट करता है। जब आपकी पावर भी चल रही है दुनिया में, आपके पास बायोलॉजिकल नीड्स भी पूरी है, आपकी मटेरियल नीड्स भी पूरी है, तो आप कहोगे यार मेरी चलती तो है पर मुझे कोई प्रेम नहीं करता, तो वो फोर्थ चक्र आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे आप ट्रेडिशनली जो है एवोल्यूशनरी स्टेप हैं ये सारे के सारे। और जहां तक ये जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं, सर्टेनली अगर कोई हेरिडिटरीली या कोई बड़ी ज्यादा ही प्रॉब्लम नहीं है तो वो सारी की सारी फिजिकल एंड मेंटल लेवल की दोनों ही खत्म हो जाती है। ओके गौरव।
हेलो हेलो। हाँ जी गौरव जी, हाँ रवि जी, मैं पूछना चाह रहे सर मेरा मेरा एक मेरा क्वेश्चन है। हेलो ये प्रश्न था सर कि अगर मैं किसी एक चीज पर जैसे मेडिटेट करूं किसी एक चक्र पर, तो उसका भाई, वही प्रभाव क्वेश्चन मेरे होगा को भी मेरे है सर। शरीर पर कुछ? ऐसा है कि मैंने कहा कि पहले तो वो वेदर दैट चक्रा इज एक्टिवेटेड इज डोरमेंट, अंडर एक्टिवेटेड और ओवर एक्टिवेटेड। अगर वो ऑलरेडी ओवर एक्टिवेटेड है, उसके ऊपर मैं और ज्यादा अपना फोकस करना शुरू करूंगा तो मैं अपनी स्थिति को अपने हाथ से निकलने दूंगा। अगर वो अंडर एक्टिवेटेड है तो उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। तो उसका शरीर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रभाव है, तो वो हमारे को देखना पड़ेगा कि हमारी बैलेंस इक्वेशन कहाँ बनती है, तो उस हिसाब से हम उसको उतनी ही एक्टिवेशन दे सकते हैं, देनी चाहिए। हाँ गौरव जी, वैसे इसमें एक बात और भी ध्यान देने वाली है कि जो ज्योतिष है और जो कुंडली है, दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। अगर आप जी अपने सर, प्लेनेटरी मूवमेंट्स को देख लेंगे उसमें कुंडली में, और फिर आप ये कुंडली साधना कर आरंभ करेंगे, तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। दोनों का तालमेल समझना जो है ना, वो उस विषय पे भी किसी वक्त बात करेंगे कि ये ये जो सर ये भी बहुत आपकी, इम्पोर्टेंट विषय है। नहीं हाँ आशुतोष जी, ये बात बात आशुतोष जी, ऐसा है कि ये कुंडलनी जो है ये है ही तंत्र का विषय, जी तंत्र जी का जी विषय है। और तंत्र के विषय के अंदर ये जो नेटल चार्ट है ये तो प्री रेक्विजिट है। इससे आपको जी पता जी लगेगा कि वो बंदा किसकी साधना कर सकता है नहीं कर सकता। वो तो पहले कैलकुलेशन होती है, उसके बाद जाके उसको दीक्षा दी जाती है। तो जी जी इसलिए ये सारी चीजें तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है बड़ी ज्यादा, तो उनकी तो हाँ हम यहाँ सर, पे व्याख्या या डिस्कशन नहीं कर रहे। एक्टिवेट करने का साधन क्या है वो नहीं आपने बताया है। जैसे किसी का अंडर वो चल रहा है, सेल्फ एस्टीम कमजोर है, ऐसी चीजें हैं उसके अंदर, तो वो तो उस चक्कर को हाँ, एक्टिव उसको करना चाहता है। एक्टिव करता है ना, एक्टिव करने के लिए उसको उसकी साधना करनी पड़ेगी। प्राणिक एनर्जी को वहां से लेके आपको उस चक्र को फीड करना पड़ेगा। उसको एक्टिवेट करने के लिए उसके ऊपर आप घुमाओगे, उसका सर्कल करोगे और उसकी पर्टिकुलर पैटर्न को एक्टिवेट करोगे, उसका मंत्र जप करोगे सो दैट कि वहां पे एनर्जाइज हो जाए। तो जैसे जैसे वो एनर्जाइज होगी वैसे वैसे वो वाली फंक्शनैलिटी आपके बॉडी के अंदर डिपिक्ट होनी शुरू हो जाएगी। बाकी मैं इनका थैंक यू फोन सर, नंबर थैंक यू शेयर सो कर मच। दूंगा, गौरव जी आप पूछ लीजिएगा। एक हमारे पास अभी और हाथ उठाया है, प्रोफेसर भाई मनमोहन सिंह जी ने। सर हाँ आपका जी कोई प्रश्न है? प्रोफेसर भाई मनमोहन सिंह जी, सर हेलो, जी, हेलो हाँ रवि जी आप पूछ रहे हैं सवाल। सर। हाँ हाँ वो था पूछ। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है वो समाधि में बैठता है, तो मतलब कई बार हमें मतलब ऐसा सुना है कि वो अपनी मतलब स्थिति से ऊपर उठ जाता है। नहीं, कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, हेलो, दोबारा स्पष्ट करें जरा प्रश्न अपना। मतलब जो मतलब समाधि में बैठता है तो वो मतलब मुझसे ऊपर उठ जाता है, मतलब इतनी समाधि में लीन हो जाता है, मतलब एक समय ऐसा जाता है कि वो अपनी हाँ स्थिति से ऊपर उठ जाता है। तो ये मतलब सुना है, ये सत्य है क्या? मतलब तो ये ये सत्य है तो तो जी फिर ये कैसे कैसे संभव हो सकता है? जी देखो ऐसा है कि दो चीजें हैं। आप जमीन पे क्यों बैठे हो? क्योंकि आपके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है। अगर आपकी स्थिति के अंदर, बॉडी के अंदर एलिमेंट्स क्या है? पांच एलिमेंट है, पांच एलिमेंट है। पांच एलिमेंट के अंदर अर्थ एलिमेंट इज द ग्रॉसेस्ट एलिमेंट, जो कि आपके वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके ऊपर की आपकी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। अगर सपोज किसी किसी तरह से हम आपके अर्थ एलिमेंट को खत्म कर दें, तो आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट नहीं होगी। अब यही एक चीज है जो हम साधना के थ्रू करते हैं एक तरह से, क्योंकि जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, आप बैठे होते हैं, तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स रीढ़ की हड्डी से बिल्कुल सेंटर से, ब्रह्म नाड़ी से सीधी नीचे की तरफ आपको खींच रही है। और जब आप साधना में जाते हैं तो आप कुंडलनी शक्ति को ऊपर चढ़ाना शुरू करते हो। तो जैसे जैसे कुंडलनी शक्ति अपने मातृकाओं को समेट के ऊपर चढ़ना शुरू करती है, वो बेसिकली इसको काउंटरैक्ट करना शुरू करती है। तो इसलिए जब भी आप पहला चक्र छोड़ते हो, दूसरा चक्र छोड़ते हो, तो लेविटेशन का फीलिंग होनी शुरू हो जाती है। और जो सिद्ध लोग हैं उनके केस में वो लेविटेट करते भी हैं। तो आप जहाँ पे समाधि की बात कर रहे हो, समाधि में बैठना तो बात अलग है, वो समाधि थोड़ा, बैठना तो कोई समाधि नहीं है। वो तो उस स्टेट में आना जहाँ पे आप उसके अंदर मर्ज हो जाओ, उस ट्रूथ के अंदर, उस अल्टीमेट चीज के पावर के अंदर, वहां पे जाके समाधि सिद्ध होती है।
तो इसलिए जब भी आप बैठोगे ध्यान के अंदर ऊर्ध्वरेतस होगे, ऊर्ध्वरेतस जब भी होगे तो वो आप आउटर चीजों को नेगेट करोगे और आपको ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि आप ऊपर उठ गए। डॉक्टर साहब इसमें आप वीडियो भी देख सकते हैं जो तिब्बतिस्ट साधक हैं उन्होंने कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं कि वो जब ध्यान में बैठे तो उनका शरीर जो है वो पृथ्वी से ऊपर उठ गया और ये ऑफ रिकॉर्ड है, ये कोई ऐसा नहीं है। विशुद्धानंद जी हाँ बनारस से जलंधर 35 मिनट में आ जाते थे, हवाई जहाज नहीं आता। जी जी ये तो है, मतलब ये तो खैर ऑन रिकॉर्ड है, आप इनका वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से वो जब ध्यान में बैठे तो वो इस धरती का स्पर्श नहीं करते। और एक रिसेंटली जो वीडियो आई है और आप लोगों ने भी देखी होगी कि जहां पर वो अपना देह जो है वो त्याग रहे हैं, अपना सांस स्वयं ही रोक करके, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे, बड़े सहज रूप में उन्होंने देह त्याग जो है वो अपना श्वास रोक करके वो किया है। तो इस तरह के आई नो मैन ऐसे कई योगी जानते हैं जो ऐसी चीजें करते हैं, तो आई थिंक आई नो अ गाय ही हैज रिटन टू बुक्स ऑन इट, तो तिब्बत से ही आते हैं, तो ऐसी चीजें आसान नहीं है। आदि शंकराचार्य जी भी अंत समय में अपनी माता जी के पास जो है मन की गति से पहुंचे, ऐसा पढ़ने में आता है, ऐसा सुनने में आता है, लेकिन आज भी ऐसे योगी बहुत हैं जी। अच्छा चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, ये डॉक्टर रूपिका भनोट की हैं जलंधर से। विनम्रता पूर्वक पूछना चाहती हूँ कि क्या साधना के मार्ग पर इतना कैलकुलेटिव हुआ जा सकता है, क्या यह प्रकृति की स्वाभाविक व्यवस्था नहीं है कि इतना ज्यादा जो हम कैलकुलेशन के ऊपर बल दे रहे हैं कि भी कौन से चक्र के उसके ऊपर हैं और कौन सा चक्र कितना एक्टिवेटेड है, तो ये अस्वाभाविक नहीं कुछ लगेगा? जहां तक तो कैलकुलेशन की बात है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमने कैलकुलेशन इसलिए किया है कि हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं, बिकॉज आज के मॉडर्न युग में मॉडर्न बच्चे को आपके घर में जो साइंस का ग्रेजुएट है उसको ये बताओगे कि हमारा शास्त्र ये कह रहा है, वो मानेगा ही नहीं आपकी बात। तो जब तक उसके साथ उसकी भाषा में बात नहीं होगी तब तक वो अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा आपकी बात को। अगर वो अंडरस्टैंड कर रही है उसका भाग्य है, ये उसकी डेस्टिनी है पुरानी जो अंडरस्टैंड कर रहा है। मोस्टली 80-90% आपको बच्चे आपको अपने ऐसे ही मिलेंगे जो कि इन बातों को मानते ही नहीं, वो कहते हैं ये तो फालतू की बातें हैं। तो इसलिए हमने ये प्रयास किया इसको इन चीजों के साथ करने के लिए। जहां तक साधना की बात है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, इतना नहीं है। और सेकेंडली हर व्यक्ति एक नेटल चार्ट लेके आया हुआ है, तो स्वाभाविक क्रिया से आया, प्रकृति ने उसके कुछ चक्र आंशिक रूप से बंद किए हैं और कुछ चक्र खोले हैं। अगर सबके ही खुले होते तो प्रकृति उनको बंद करके क्यों भेजती? तो क्या हमें उनके बंद चक्रों को खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? दिस इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। जी जी गुड। यदि और किसी का कोई प्रश्न कोई टिप्पणी यदि है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर कमेंट्स, और फिर उसके बाद हम इस आज की वार्ता को पूर्ण करेंगे। सर मैं दीपक कुमार, सर मेडिटेशन से हमारे दिमाग की क्षमता बढ़ती है? दोबारा प्रश्न उठाएं अपना। हाँ हाँ जी, मेडिटेशन करने से हमारे दिमाग सर्टेनली है कुछ? सर्टेनली सर्टेनली ओके, लेकिन मेडिटेशन करेंगे भी दीपक जी। ऐसा है, अगर आप जी मैं अगर आप उसके अंदर जाते हैं जी, पिछली बार अपना एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाते हैं आप, एक दो तरह की हो गई आपकी, एक तो पराशरी हो गई, एक रेड बुक हो गई। रेड बुक के अंदर अगर आप जाते हैं तो उसमें 42 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन की बात होती है। जब आप भूतलिपि में जाते हैं तो उसमें भी 42 अक्षरों की ही बात होती है, तो वो अक्षर जो है वो उन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। इफ यू नो द फंक्शन ऑफ द कनेक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन और उसका आपको एक मंत्र का बीज पता है, तो अगर आप उस बीज का उच्चारण करेंगे इन द राइट इंटोनेशन, इन द राइट फ्रीक्वेंसी, जो भी उस शब्द की फ्रीक्वेंसी है, तो आपका वो वाला भाग जो है ब्रेन का एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। जब वो एक्टिवेट होगा तो उसकी जो नेचुरल टेंडेंसीज है वो डिपिक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो हाँ, हम सब कुछ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, मुझे लगता है और टिप्पणी शायद हमारे पास नहीं है। कहना है कि क्या कोई इसके लिए उपयुक्त कुछ पुस्तकों की भी अगर थोड़ा सा संकेत मिल जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा।
और भाई साहब का कॉन्टेक्ट नंबर भी। ऐसे पुस्तकें तो बहुत हैं, बट पुस्तक पढ़ के साधना में कई बार दिक्कतें आ जाती है, तो हमारे जो भ्रम है उसको निवारण करने के लिए कोई राइट गाइड होना जरूरी है, मेरा तो यही विचार है। और ये तो कृपा का विषय है, ये हमारे कर्म का विषय तो है ही नहीं जी। जी जी ठीक है। मेरा एक प्रश्न था, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी मैम। वो मेरा एक प्रश्न ये था कि जैसे हम एक साधना करते हैं, तो उस साधना में क्रिया योग में जो हम श्वास जब हम इनहेल करते हैं तो हम नीचे से करते हैं मूलाधार से, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम ऊपर से नीचे करते हैं, क्योंकि यही एंटी क्लॉकवाइज है। जब हम क्रिया योग की बात कर रहे हैं तो क्रिया योग के अंदर जब भी आप सूक्ष्म, सबसे पहले जो आपकी साधना होती है वो सूक्ष्मना से आप उसको उठाते हो, सूक्ष्मना से आप प्राण को उठाते हो तो सेंटर से लेके जाते हो, और जब वो ऊपर आपके गर्दन तक पहुंचता है तो उसको आउटवर्ड फ्लो करके आप नीचे दोबारा जाते हो। तो बेसिकली आप उसको ऊपर नीचे लेके जाते हो, पर ये जो टर्निंग वाली बात है, ये टर्निंग वाली बात दो तरह से ही आपको फील हो सकती है। एक तो या तो आप प्राण को उसके ऊपर घुमाएं, और नहीं तो आपको षणमुखी मुद्रा का पता होना चाहिए पूर्ण रूप से। जब भी आप ये करके षणमुखी मुद्रा लगाएंगे तो आपको खेचर के अंदर जो जो आकृति दिखेगी वो किस डायरेक्शन में घूम रही है, उसके कलर कौन से हैं, उसकी जो परिसीमन है वो कैसा है, कितना वो स्थिर है कितना नहीं है, तो इससे आपको आपके मन की व्यवस्था, मन की स्टेज पता लगनी शुरू हो जाएगी, और ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि आप अपना क्लॉकवाइज मार्ग के अंदर जा रहे हो, दुनिया के अंदर जा रहे हो, और या एंटी क्लॉकवाइज मार्ग में जा रहे हो, शैव मार्ग में जा रहे हो। ब्रह्म धारा और शैव धारा ये यहीं से आपको पता लगेगी, षणमुखी मुद्रा के अंदर ही आकृति देख के आपको पता लग जाएगी। तो इसलिए षणमुखी मुद्रा का ज्ञान भी होना चाहिए, बट क्रिया योग इज वन ऑफ द बेस्ट यू नो साधना टू अंडरस्टैंड थ्री डिफरेंट एंटिटीज इन द बॉडी। वन इज योर श्वास, सेकेंड इज योर प्राण, थर्ड इज योर माइंड। इन तीनों को सेपरेट करने की साधना ही आपकी क्रिया योग की। मैडम दिव्या, इसमें ऑटो सजेशन करना पड़ता है, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने एंटी क्लॉकवाइज प्राणों को करना है, तो क्या ये हम छोड़ दें इसको बिल्कुल शून्य करके दिमाग को, कि ऑटो सजेशन दें कि ये हमारा ऐसे ये जो जब भी आप क्रिया योग के अंदर अपनी एनर्जी को ऊपर नीचे ले जाते हो तो इसका मतलब होता है शक्ति चलन। शक्ति चलन जब आप धीरे धीरे अपनी विजुअलाइजेशन पावर के साथ डेवलप करना शुरू करते हो तो शक्ति चलन आपके आप शरीर के किसी भी साइकिक पाथवे से स्वतः एक नया रास्ता बना सकते हो। तो ये इतना ही नहीं है कि आप शरीर के अंदर, आप इवन अपनी आज्ञा चक्र से हवा के माध्यम से ही अपने शरीर के ऊपर से अपनी टो के अंदर अपने प्राण का विसर्जन कर सकते हो, आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो, ये सारे शक्ति चलन के हैं। सो इसका मतलब शक्ति चलन आपको आना, हमारे को अच्छा बहुत अच्छी तरह उसका कंट्रोल होना चाहिए, तो जो कि आपको बड़ा अच्छा मिलता है क्रिया योग में अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रहे हो तो। मैडम दिव्या जी, इसके साथ में कुछ एक ग्रंथ जैसे शिव सूर्योदय वगैरह हैं, इनको हमें जरूर देख लेना चाहिए, कई तरह की मूलभूत जानकारियां इनमें हैं, जैसे कि उसमें श्वास को लेकर के मेरा ख्याल डॉक्टर बड़ा स्पष्ट दिया हुआ है कि हर 2 घंटे के बाद श्वास जो है वो अल्टरनेट हो जाते हैं। 1 घंटे बाद इसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च की हुई है, हाउ टू चेंज द ब्रेथ, हाउ टू चेंज द एलिमेंट्स इन योर ब्रेथ। तो वो तो हम किसी को 10 मिनट बैठ जाए मेरे सामने 15 मिनट में, हम 15 मिनट में उसको सारे उसके जो एलिमेंट्स है उसके श्वास में उनको एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। तो ये मतलब ये किसी गुरु के अंदर ही, मतलब ये तो ऐसी ये विधान यही है, आपका श्वास देख के ही आप किसी का क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, श्वास देख के ही अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं जो सिद्ध होगा। जी, तो बहुत बड़ी साइंस है, तो साइंस ही है और गुरु चरणों में ही। 70 रुपए की किताब है, खरीदता कोई नहीं, पढ़ता कोई नहीं, करोड़ों रुपए का ज्ञान है, और यदि पढ़ता है तो करता कोई नहीं है उसके ऊपर, जो है पढ़ता ही नहीं, वो सुनते हो ही, सुन के राजी नहीं कोई जी, करोड़ों रुपए का ज्ञान है, 70 रुपए में मिल रहा है, लेने को कोई राजी नहीं है। चलिए ठीक है, तो सर एक बार आप सुनिए चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल, वो कृपया आप शेयर कर दीजिए, उसमें टाइप कर दीजिए, क्योंकि कुछ एक प्रतिभागियों ने आपका ये मोबाइल नंबर मांगा है। तो अब इसको, आज की इस चर्चा को हम पूर्णता की ओर अग्रसर करते हैं।
क्योंकि ये चर्चाएं तो ऐसी हैं जिनके बहुत सारे आयाम हैं। आयाम इस अर्थ में है कि अगर आपकी भोजन व्यवस्था ठीक नहीं है तो भी कुंडली जो है वो जागृत नहीं होगी। अगर आपका अपना आचार और व्यवहार ठीक नहीं है तो भी ठीक नहीं होगा, और कहीं वो जो सुषुम्ना की बजाय इड़ा या पिंगला में जा सकती है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए ये जो तंत्र का ये जो विषय है ये बहुव्यापी विषय है, बहुआयामी विषय है, इसलिए इसमें उन्हीं लोगों का प्रवेश करवाया जाता है जो इस बात के लिए अपने को तैयार करके आते हैं कि मैं हर प्रकार की साधना के योग्य बनूंगा। वो अपने आहार विचार आचार सभी पे संयम रख सकते हैं, तो वो आधार भूमि कुंडलनी की तैयार होती है। ये ऐसे नहीं हो जाएगी एक दिन में कि भी बस मैं मुझे सिखा दूं, उसके लिए साधन करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, और फिर जैसे कि सुमित जी ने आज प्रस्तुतियां दी हैं कि विज्ञान की पृष्ठभूमि के साथ कुंडली को प्रस्तुत करना इस विषय को, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साहसपूर्ण कार्य है जो उन्होंने आज बड़े सुखद तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से और सहज रूप में प्रस्तुत किया है। उसके लिए वो निश्चित रूप से हम सभी की ओर से प्रशंसा के पात्र भी हैं। हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये जो अपना समय दिया, अपना ज्ञान साझा किया, हमें उत्साहित भी किया कि हम इस दिशा की ओर चलें। आज जो मुझे लगती है वो है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस इंटरडिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो बार बार, और हम टीचर्स उसके बारे में जागरूक भी नहीं हैं और गंभीर तो बिल्कुल ही नहीं हैं, तो उस दिशा में ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि किस तरह से साइंस और ट्रेडिशन, साइंस और सेंसिबिलिटी जो है उसको सुनीत जी जो है वो उन्होंने इसको सिंक्रोनाइज किया है, सिंथेसाइज किया है और उसको अप्लाइड बनाया है, तो उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। तो इससे पूर्व कि हम आज की ये सभा विसर्जित करें, धन्यवाद पूर्वक सभी श्रोताओं, प्रतिभागियों और मुख्य वक्ता के प्रति, मैंने दो लिंक आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर किए हुए हैं। एक सर्टिफिकेट के लिए है, जिन लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए वो प्लीज उसको क्लिक करके उसको फॉर्म को फिलअप कर दें। दूसरा एक और लिंक शेयर किया हुआ है कि आप अपने चक्र का स्तर कि आप किस लेवल पर हैं वो भी फॉर्म उसमें हमने शेयर किया हुआ है। वो इंडियन साइकोलॉजी के उस पक्ष को जानकारी के लिए, वो प्योरली एकेडमिक पर्पस के लिए है, तो अगर आप उसको भरते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा और आपको खुद भी जानकारी हो सकती है कि आप मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक किस स्तर पर आपकी स्थिति है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि आज के विषय ने कई नई संभावनाओं को जन्म दिया है और हमने इसके अन्य आयामों के ऊपर भी चर्चा करने के लिए एक बार पुनः मैं निवेदन करूंगा श्री सुनीत जी से, जोशी साहब से, कि वो दोबारा एक इस तरह का विषय और लें और इसके और जो आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, उनके ऊपर इसके ऊपर चर्चा करें, विचार हमारे साथ साझा करें और हमें प्रेरित करें कि इस तरह से विचार भी करें और हम व्यवहार करना भी सीखें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रति, मनमोहन जी शर्मा जी के प्रति, श्री नरेंद्र जी के प्रति, सुशील मित्तल जी के प्रति, और भी जितने मेरे सभी साथी जुड़े हुए हैं, महेश जी और मैडम दिव्या त्रिपाठी, मैडम बीना अग्रवाल राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, बीच में जुड़े हुए थे, तो उन सभी के प्रति और भी जिनसे मैं नहीं अभी तक परिचित हुआ हूँ, उन सब के प्रति मैं अपनी विनम्रतापूर्ण जो है उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। आप लोग फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद आप लोग ये जो मीटिंग है इसको छोड़ सकते हैं और सभा हम तब विसर्जित कर लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।